Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. Information Technology Act 2000 को हमने 21 वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले 10 वीडियो लेक्चर्स के टॉपिक इस स्लाइड के अंदर दिए गए हैं और 11 से 21 के वीडियो लेक्चर्स के टॉपिक इस स्लाइड के ऊपर हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंट्रोलर की। दिस इज पार्ट 12। लेट्स स्टार्ट विद द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। Hierarchy of administrative mechanism for the issue of digital signature certificate. Digital signature certificate को issue करने के लिए हमारे पास administrative system की क्या hierarchy है, मैं आपके सामने पहले उसको ले रहा हूँ। At the top we have controller of certifying authorities, जो कि central government के द्वारा appoint किया जाता है। Then we have certifying authorities. For example, e-mudra, it is one of the certifying authority. और सबसे बॉटम में हमारे पास है सब्सक्राइबर एंड यूजर्स। इट मींस सब्सक्राइबर वो व्यक्ति हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर को लगाने की सर्विसेज प्राप्त करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कंट्रोलर। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA इज द टॉप रेगुलेटरी बॉडी फॉर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इन इंडिया। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए हमारे पास जो टॉप मोस्ट बॉडी है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इट प्रोवाइड्स फॉर दी ए अपॉइंटमेंट, बी फंक्शंस, सी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर। मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज क्या है। ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी आर एंटिटी दैट गेट्स लाइसेंस फ्रॉम द कंट्रोलर। सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक विश्वसनीय थर्ड पार्टी है, एक थर्ड पार्टी है जिसके ऊपर भरोसा किया गया है और कंट्रोलर ने इसको लाइसेंस दिया है सो दैट इट इश्यूज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू द सब्सक्राइबर। कंट्रोलर ने सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को एक लाइसेंस दे दिया कि तुम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स सब्सक्राइबर को इश्यू करो। दी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज फंक्शन अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ CCA। सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के सुपरविजन और कंट्रोल के अंदर काम करती हैं। अगर इसको देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज एक्ट एज ए लिंक बिटवीन कंट्रोलर एंड सब्सक्राइबर्स। लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इन इंडिया, यहां पर मैं आपको सिर्फ इनके नाम को मेंशन कर रहा हूं। हमारी कंट्री के अंदर ये सारी की सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं जिनको कंट्रोलर ने लाइसेंस दिया है कि तुम पब्लिक को, सब्सक्राइबर को डिजिटल सिग्नेचर लगाने की सर्विस प्रोवाइड करो। नेक्स्ट है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मींस ए पर्सन इन हूज नेम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज इश्यूड। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज डिजिटल सिग्नेचर को लगाने के लिए जिन लोगों को यह सर्विस प्रोवाइड करेंगी वो सभी व्यक्ति सब्सक्राइबर कहलाएंगे। नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स सेक्शन 17। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ द IT एक्ट, Central government has appointed a controller of certifying authorities by notification in the official gazette for the purpose of this act. Central government ने एक controller of certifying authorities को appoint कर दिया और इसकी जानकारी official gazette के अंदर notification की form के अंदर दे दी। Central government has also by notification appointed such number of deputy controllers, assistant controllers, other officers and employees as it deemed fit. Central government ne notify karke deputy controllers, assistant controllers,
अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लाइज जितने की जरूरत थी उन सबको अपॉइंट कर दिया। द कंट्रोलर शैल फंक्शन अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्टिव्स देगी कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। एंड द डिप्टी कंट्रोलर्स एंड असिस्टेंट कंट्रोलर्स शैल फंक्शन अंडर जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोलर। डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर कंट्रोलर के अंडर रह के काम करेंगे। यहां पर मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रहा हूं। एट द टॉप वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री के अंदर हमारे पास मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। देन वी हैव ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन वी हैव ए सेक्रेटरी। ये मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर व्यक्ति हैं। देन वी हैव ए कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, देन डिप्टी कंट्रोलर्स, देन असिस्टेंट कंट्रोलर्स एंड देन टेक्निकल ऑफिसर्स। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वर्क करता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। सबसे पहले मैं कंट्रोलर के फंक्शन की आपको कंप्लीट यहां पर लिस्ट दे रहा हूं। जनरल फंक्शन सेक्शन 18, रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेक्शन 19, थर्ड कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी सेक्शन 20, लाइसेंस टू इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सेक्शन 21, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस सेक्शन 22, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस सेक्शन 23, प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस सेक्शन 24, फिफ्थ पॉइंट रेवोकेशन और सस्पेंशन ऑफ रिकॉग्निशन सेक्शन 25, एंड द लास्ट वन इज नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस सेक्शन 26। हमने इन सभी सेक्शन को एक एक करके अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले मैं टेकअप करूंगा जनरल फंक्शन विच आर गिवन अंडर सेक्शन 18। कंट्रोलर में परफॉर्म ऑल आर एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली या तो कंट्रोलर ये सब फंक्शन परफॉर्म करेगा या इनमें से कुछ फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा। सबसे पहला फंक्शन है एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज किस तरह से काम कर रही हैं, क्या वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के काम को सुपरवाइज करने की पूरी जिम्मेदारी कंट्रोलर के ऊपर है। सेकेंड पॉइंट, सर्टिफाइंग कीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को जो प्राइवेट और पब्लिक कीज दी जाएंगी ताकि वो सब्सक्राइबर को इश्यू कर सकें, उसका भी सारा कंट्रोल कंट्रोलर के हाथ में है। ही विल सर्टिफाई द कीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। सी पॉइंट, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ये फंक्शन कंट्रोलर का है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कैसे काम करें, उनके काम करने के तरीके को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाए। कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के काम करने के तरीकों को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोलर कुछ स्टैंडर्ड्स को बनाएगा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को फॉलो करने हैं। डी पॉइंट, स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच इंप्लाइज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी शुड पोजेस। कंट्रोलर यह भी बतलाएगा कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के जो इंप्लाइज हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बात की वो जानकारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को प्रोवाइड करेगा कि तुम इस तरह की क्वालिफिकेशन के लोगों को और इस तरह के एक्सपीरियंस के लोगों को तुम हायर कर सकते हो। ई पॉइंट, स्पेसिफाइंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल कंडक्ट देयर बिजनेस। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपने काम को कैसे करेंगी, किन किन कंडीशंस को उनको फॉलो करना है, कंट्रोलर ये सारी कंडीशंस को सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को बताएगा। एफ पॉइंट, स्पेसिफाइंग द कंटेंट्स ऑफ रिटन प्रिंटेड और विजुअल मटेरियल एंड एडवर्टाइजमेंट्स दैट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड
are used in respect of digital signature certificate and the public key. Certifying authorities ने subscriber को digital signature certificate देने हैं. इसके लिए certifying authorities जो advertisement करेंगी, उस advertisement के अंदर क्या printed matter हो सकता है, क्या visual matter हो सकता है, उसके content क्या होंगे, इस बात को controller ही specify करेगा. G point, specifying the form and content of digital signature certificate and the key. Digital signature certificate किस तरह से दिखने चाहिए और digital signature certificate के content क्या होंगे या key के content क्या होंगे, ये भी बात controller ही specify करेगा, controller ही बतलाएगा. H, specifying the form and way accounts shall be maintained by the certifying authorities. कंट्रोलर इस बात को भी स्पेसिफाई करेगा कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपने अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करें. I, स्पेसिफाइंग द वे द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज शैल कंडक्ट देयर डीलिंग विद द सब्सक्राइबर. कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को वो सारे रास्ते बताएगा जिन रास्तों के जरिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपने सब्सक्राइबर के साथ डील कर सकती है. Resolving any conflict of interest between the certifying authorities and the subscriber. अगर certifying authorities और subscriber के अंदर किसी भी प्रकार का कोई conflict हो जाता है तो कौन इनमें से ठीक है या कौन इनमें से गलत है, इनके conflict को resolve करने की जिम्मेदारी भी controller पर ही है. So controller ही certifying authorities और subscriber के dispute को resolve करेगा. K, laying down the duties of certifying authorities. Certifying authorities को क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से ये काम करने हैं, इसके लिए सारी duties जो certifying authorities को दी जाएंगी वो duties भी controller ही determine करेगा. Controller shall maintain a database containing the disclosure record of every certifying authorities containing such particulars as may be specified by regulation which shall be accessible to the पब्लिक. सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने किन किन सब्सक्राइबर को किन किन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर सर्विसेज दी हैं, इन चीजों का सारा रिकॉर्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास होता है और इस चीज का सारा डेटा कंट्रोलर की डेटाबेस के अंदर भी रहेगा. विच शैल बी एक्सेसिबल टू दी पब्लिक, और ये पब्लिक को एक्सेसिबल होगा. नाउ द सेकेंड फंक्शन दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी. The controller with the prior permission of central government and by notification in the official gazette may recognize any foreign certifying authority for the purpose of this act. India ke andar agar koi foreign agency aake as a work karna chahe foreign certifying authority to wo yahan par work kar sakti hai. Iske liye controller central government se permission lega aur official gazette ke andar isko mention kar diya jayega ki hum इस फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इंडिया के अंदर काम करने की मंजूरी दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने दो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का नाम दे रहा हूं, वेरिसाइन एंड जियो ट्रस्ट. अगर ये एजेंसीज इंडिया के अंदर परमिशन मांगती हैं कि हमें भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने की यहां पर सुविधा दी जाए, तो ये फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को इंडिया के अंदर हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और ऑफिशियल गजट के अंदर यह बात नोटिफाई की जाएगी. द थर्ड पॉइंट, कंट्रोलर टू एक्ट एज रिपोजिटरी, सेक्शन 20. स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे रिपोजिटरी क्या है. रिपोजिटरी एक ऐसी जगह जहां पर आपने बहुत सारी चीजों को स्टोर कर दिया. कंट्रोलर ने तो एक ही चीज को स्टोर करना है और वो है डिजिटल सिग्नेचर का डेटा. The controller shall be repository of all digital signature certificates issued under this act. जितने भी digital signature certificate issue किए जाएंगे उससे related complete जानकारी controller के database के अंदर रहेगी. Controller will ensure the secrecy and the security of digital signature. Controller ensure करेगा कि ये digital signature totally safe और secret रहने चाहिए. Controller इसके लिए
he shall make use of hardware, software and procedure that are secure from intrusion and misuse. कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर डेटा को या डिजिटल सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना कर सके या अनऑथोराइज तरीके से ना ले सके, इसके लिए कंट्रोलर कुछ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ सिक्योर प्रोसीजर को यूज करेगा। बी पॉइंट, कंट्रोलर शैल ऑब्जर्व सच अदर स्टैंडर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो काम, जो जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने के लिए कंट्रोलर को कहेगी, वो उन सभी स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करेगा, मानेगा। कंट्रोलर शैल मेंटेन ए कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ऑफ ऑल पब्लिक कीज इन सच ए मैनर दैट सच डेटाबेस एंड द पब्लिक कीज आर अवेलेबल टू एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक। कंट्रोलर अपने डेटाबेस के अंदर वो सारी पब्लिक कीज को रखेगा जो पब्लिक कीज किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी पब्लिक के मेंबर को चाहिए होंगी। स्टूडेंट यहां पर नोट करेंगे कि पब्लिक की सिंपली एक नंबर है इन बाइनरी फॉर्म, एक बहुत लंबा बाइनरी फॉर्म के अंदर नंबर है। फोर्थ फंक्शन, लाइसेंस टू इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, सेक्शन 21। एनी पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन टू कंट्रोलर फॉर ए लाइसेंस टू इश्यू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा सकती है कि हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इश्यू करने का लाइसेंस दिया जाए। इफ ही फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन, अगर वो कंपनी या वो व्यक्ति क्वालिफिकेशन के प्रति सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड है उसके पास, उस व्यक्ति या उस कंपनी के पास वो सारी एक्सपर्टाइज है, मैन पावर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिक्योर प्रोसीजर के सारे कंट्रोल्स हैं जो कि उस व्यक्ति या उस कंपनी के पास हैं जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इश्यू करना चाहता है, वो व्यक्ति कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन लगा सकता है हमें लाइसेंस दिया जाए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इश्यू करने का। लेकिन ये उसी व्यक्ति या कंपनी को दिया जाएगा जो क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को रखता है जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए जरूरी है। फिफ्थ फंक्शन, रेवोकेशन ऑफ रिकॉग्निशन। रेवोकेशन मींस कैंसलेशन। द कंट्रोलर मे, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज कॉन्ट्रावीन्ड, वायलेटेड एनी ऑफ द कंडीशन, अगर कंट्रोलर इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कुछ कंडीशंस को वायलेट किया है एंड रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू विच इट वॉज ग्रांटेड रिकॉग्निशन, और उसने कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन को तोड़ा है जिनके बेस के ऊपर उसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने की परमिशन दी गई थी। ही मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कंट्रोलर वो रीजन राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करके ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफाई करके उस पर्टिकुलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की रिकॉग्निशन को कैंसिल कर सकता है। स्टूडेंट्स मैं इस पॉइंट को बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं और इसको ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोलर अगर इस बात से सेटिस्फाइड है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कोई कंडीशन को वायलेट किया है या उन रिस्ट्रिक्शन जिनके बेस के ऊपर उसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनने का लाइसेंस दिया गया था उसने उन कंडीशन को तोड़ा है, तो वो ये बात राइटिंग के अंदर लेगा और ऑफिशियल गजट के अंदर इसको मेंशन करने के बाद वो उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी की रिकॉग्निशन को कैंसिल कर देगा। सिक्स्थ फंक्शन, नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। वेयर द लाइसेंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, जहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस को कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है या कैंसिल ही कर दिया गया है, द कंट्रोलर शैल पब्लिश नोटिस ऑफ सच सस्पेंशन और रिवोकेशन। कंट्रोलर इस बात की जानकारी पब्लिश करेगा कि इस पर्टिकुलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है, और इस बात की वो जानकारी अपने डेटाबेस के अंदर भी मेंटेन करेगा। नाउ द पावर्स ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। पहले मैं आपको सारी पावर्स लिस्ट कर देता हूं और इसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज पावर टू डेलीगेट, सेकेंड पावर टू इन्वेस्टिगेट, थर्ड पावर टू एक्सेस डेटा, फोर्थ
power to give directions. Fifth, power to intercept information. Sixth, power to block public access. Seventh, power to collect data for cyber security. And the last one is power to make regulations. आइएगा इन चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. The powers of CCA. The Act has conferred, Act has given the following powers upon the CCA. The first one is power to delegate. Section 27. The controller may in writing authorize the deputy controller, assistant controller or any officer to exercise any of the powers of the controller. कंट्रोलर राइटिंग के अंदर डिप्टी कंट्रोलर या असिस्टेंट कंट्रोलर या किसी भी ऑफिसर को इस बात के लिए ऑथोराइज कर सकता है कि जो मेरी पावर्स हैं वो तुम एक्सरसाइज करो. सो कंट्रोलर अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है. पावर टू इन्वेस्टिगेट सेक्शन 28 सब सेक्शन 1. एनी कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द एक्ट आर रूल्स आर रेगुलेशन मेड देयर अंडर. कोई भी व्यक्ति आईटी एक्ट के अंदर किसी रूल को, रेगुलेशन को या प्रोविजंस को वायलेट करता है, कॉन्ट्रोवीन करता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर कंट्रोलर को दी गई है. पावर ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटर एंड डेटा फॉर पर्पस ऑफ सर्च इफ इट सस्पेक्ट्स एनी कॉन्ट्रोवेंशन. कंट्रोलर को इस बात की पावर है कि जहां पर वो शक कर रहा है कि इस व्यक्ति ने या इस कंपनी ने रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया है, कॉन्ट्रोवीन किया है, उस केस के अंदर वो उस व्यक्ति या कंपनी के कंप्यूटर या डेटा को सर्च कर सकता है. इस बात की पावर कंट्रोलर के पास है. फोर्थ पॉइंट, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस. कंट्रोलर में डायरेक्ट ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी आर एनी एम्प्लॉई ऑफ सच अथॉरिटी टू सेक टेक सच मेजर आर टू सीज ऑन कैरिंग ऑन सच एक्टिविटीज इफ दीज आर नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल्स आर एनी रेगुलेशन मेड देयर अंडर. सेक्शन 68 सब सेक्शन 1. स्टूडेंट, मैं इस बात को सिंप्लीफाई कर रहा हूं. कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को या उसके किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर सकता है कि तुम ये काम करो, या कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी या उसके किसी भी एम्प्लॉय को किसी पर्टिकुलर काम को करने से रोक सकता है कि यह काम ना किया जाए, अदरवाइज आईटी एक्ट से रिलेटेड कोई वायलेशन हो सकती है. हम चाहते हैं कि आईटी एक्ट की कंप्लायंस हो, उस कंप्लायंस को करने के लिए अगर किसी काम को रोकना भी है तो वो इसकी भी डायरेक्शन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को या उनके एम्प्लॉयज को दे सकता है. फिफ्थ पॉइंट, पावर टू इश्यू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स. सबसे पहले तो इस लाइन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. कंट्रोलर के पास इस बात की पावर है कि वो डायरेक्शन दे सके, किसी भी जाती हुई इंफॉर्मेशन को रोक दिया जाए. किसी के कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर किया जाए, वॉच किया जाए या उसको डीकोड कर दिया जाए, इस बात की डायरेक्टिव्स कंट्रोलर दे सकता है. अब इन लाइंस को देखते हैं. दिस इज गिवन इन सेक्शन 69 सब सेक्शन 1. कंट्रोलर मे डायरेक्ट एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट. कंट्रोलर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से कोई इंफॉर्मेशन जा रही है उसको रोकने के लिए कह सकता है. अगर ये जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है रोकना, कंट्री की इंटीग्रिटी अखंडता के लिए बहुत जरूरी है इस इंफॉर्मेशन का रोकना, या कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है सो इस इंफॉर्मेशन को रोका जाए, या हमारे रिलेशन फॉरेन कंट्रीज के साथ ये इंफॉर्मेशन खराब कर सकती है, तो कंट्रोलर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट रोकने के लिए किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को कह सकता है. द सिक्स पॉइंट इज पावर टू इश्यू डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग द पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से पब्लिक इंफॉर्मेशन ना ले सके, कंट्रोलर इसके लिए उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को ब्लॉक करने के डायरेक्शन दे सकता है ताकि पब्लिक इंफॉर्मेशन ना ले सके. द रीजन कैन बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. सेवंथ पॉइंट, पावर टू ऑथराइज टू मॉनिटर एंड कलेक्ट ट्रैफिक डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी.
ये बात हमें सेक्शन 69B के अंदर दी गई है। सबसे पहले आप यहां पर साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग देखेंगे। साइबर मींस ए वर्ल्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का संसार, जहां पर भी कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं वहां पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। कंट्रोलर चाहे तो ऑथराइज कर सकता है। कंट्रोलर कैन ऑथराइज मॉनिटरिंग एंड कलेक्टिंग ट्रैफिक डेटा। जो ट्रैफिक डेटा का चल रहा है उसको मॉनिटर करो और ये ट्रैफिक डेटा को कलेक्ट भी करो। थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कंट्रोलर किसी को ऑथराइज कर सकता है कि तुम इनके डेटा या इंफॉर्मेशन के ट्रैफिक को मॉनिटर करो और कलेक्ट करो। 8th पॉइंट, पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कंट्रोलर के पास इस बात की पावर है कि वो रूल्स रेगुलेशन को बना सके ताकि इस एक्ट को भली भांति लागू किया जा सके। इसके लिए वो साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी के साथ कंसल्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेगा। जिन चीजों के बारे में वो रेगुलेशन बना सकता है, द रेगुलेशन मे पर्टेन मे रिलेट टू द फॉलोइंग। ए, पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस कंटेनिंग डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एवरी सीए। बी पॉइंट, कंडीशंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेक्शन 19 सबसेक्शन 1। जिन कंडीशंस के बेस के ऊपर फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को रिकॉग्निशन दी जाएगी वो उन कंडीशंस के लिए भी अपने रेगुलेशंस बना सकता है, वो उन कंडीशंस को भी फ्रेम कर सकता है। सी पॉइंट, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेक्शन 21 सबसेक्शन 3। किन टर्म्स और कंडीशन के ऊपर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को लाइसेंस टू इश्यू डिजिटल सिग्नेचर दिया जाएगा, उन टर्म्स और कंडीशंस के रिलेटेड भी वो रेगुलेशंस बना सकता है। एंड डी पॉइंट, स्टैंडर्ड टू बी ऑब्जर्व बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेक्शन 30 सबसेक्शन डी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी? जिन स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ऑब्जर्व करें उन स्टैंडर्ड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर कंट्रोलर के पास है। 9th पॉइंट, इस पॉइंट को हमने लिस्ट के अंदर डिस्कस नहीं किया था। पावर टू एक्सरसाइज हिमसेल्फ आर थ्रू एन ऑथराइज ऑफिसर द फॉलोइंग पार्ट्स विच आर कन्फर्ड ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। पावर टू एक्सरसाइज हिमसेल्फ आर थ्रू एन ऑथराइज ऑफिसर, कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि कंट्रोलर खुद एक्सरसाइज करेगा या अपने ऑथराइज ऑफिसर के थ्रू एक्सरसाइज करेगा। वो कौन सी पावर्स है? द फॉलोइंग पावर्स विच आर कन्फर्ड ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो पावर इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दी गई हैं उनको भी कंट्रोलर खुद एक्सरसाइज कर सकता है या अपने ऑथराइज ऑफिसर के थ्रू एक्सरसाइज कर सकता है। मैं आपके सामने अब एक लंबी लिस्ट ले रहा हूं। पावर टू इंस्पेक्ट, कंट्रोलर किसी भी रिकॉर्ड को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर रिसोर्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को अपने ऑफिस में आने के लिए कंपेल कर सकता है। एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ, और उससे यह कहा जा सकता है कि तुम शपथ पत्र के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दो, तुम अपनी स्टेटमेंट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर दो। पावर टू कंडक्ट सर्च एंड सीज़र, कंट्रोलर किसी भी ऑफिस के अंदर सर्च कर सकता है और वहां पर कंप्यूटर रिसोर्सेज को सीज कर सकता है और वहां पर जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को जब्त कर सकता है। पावर टू रिक्विजिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर किसी भी व्यक्ति को या कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाने के लिए अपने ऑफिस के अंदर कंपेल कर सकता है। डी पॉइंट, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कंट्रोलर के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देने के लिए कह सकता है। ई पॉइंट, पावर टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपीज ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, किसी भी कंपनी से रिलेटेड कंट्रोलर के पास पावर्स हैं कि वो उनके मेंबर्स का रजिस्टर मंगा सके या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर को मंगा सके और उन्हें इंस्पेक्ट कर सके या उनकी कॉपीज ले सके। पावर टू मेक इंक्वायरीज, जहां पर कंट्रोलर को कहीं किसी बात का कोई डाउट है या उसे कुछ क्लैरिटी चाहिए
तो वो उसके लिए वो किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की इंक्वायरी भी कर सकता है। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, सेक्शन 27। हमने इन बिटवीन तो इस बात को बीच में डिस्कस किया, लेकिन मैं सेक्शन 27 को फॉर्मली आपके साथ टेकअप कर रहा हूं। द कंट्रोलर में इन राइटिंग, कंट्रोलर राइटिंग के अंदर देगा और उसके अंदर वो ऑथराइज कर सकता है डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर या किसी भी अपने ऑफिसर को टू एक्सरसाइज एनी पावर ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर राइटिंग के अंदर किसी भी डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर या किसी भी ऑफिसर को अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट के बारे में देखा और कंट्रोलर की फंक्शंस के बारे में जाना और कंट्रोलर के पावर्स को हमने अंडरस्टैंड किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन तीन चीज़ों को समझने के लिए। कंट्रोलर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कंट्रोलर के फंक्शंस क्या है और कंट्रोलर की पावर्स क्या है। आई होप दैट द थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।